हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला फॉर यू। दोस्तों, इतिहास की क्विक रिवीजन में आज 6th पार्ट है, जिसमें हम देखेंगे टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम एसएससी, सीजीएल, यूपी ट्रिपल एससी और सभी स्टेट पीसीएस, लेखपाल, बीओ और अन्य सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए और माय पाठशाला फॉर यू को सब्सक्राइब करना न भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? तो देखिए, रास बिहारी बोस ने। ये 1907 में अधिवेशन हुआ था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिवेशन था, क्योंकि यहाँ पे नरम दल और गरम दल के बीच में एक तरह से स्प्लिट हो गया था। ठीक है, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन कौन सा था? तो देखिए, ये मद्रास लेबर यूनियन था और इसकी स्थापना हुई थी 1918 में और बीपी वाडिया के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था? तो देखिए, शंकरण नारायण ने इस कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गदर जनरल सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? तो देखिए, गदर जनरल सबसे पहले उर्दू भाषा में जो है ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहली बार जो है जनगणना कब हुई थी भारत में? तो देखिए, ये 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी और जनगणना बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी घटना हुई थी? तो देखिए, रॉलेट एक्ट पारित हुआ था और ये 1918 में हुआ था और देखिए कि इसमें काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उसके विरोध में ये अमृतसर में जलियांवाला बाग में ये मीटिंग हो रही थी जहाँ पे ये हत्याकांड किया गया था। ठीक है, जनरल डायर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, कौन सी घटना खिलाफत आंदोलन के लिए असफलता का कारण बनी थी? तो देखिए, तुर्की में जो क्रांति हुई थी वो एक तरह से खिलाफत आंदोलन के लिए असफलता का कारण बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1802 में ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसाई की संधि किसने हस्ताक्षर किया था? तो देखिए, इस जो संधि हुई थी इस पे बाजीराव द्वितीय ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो देखिए, सरोजिनी नायडू भारत की जो है एक तरह से जो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी थी? तो देखिए, गांधी जी ने बहुत सारे पुस्तक लिखे, उसमें से एक जो है पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज और एक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो बहुत सारे पुस्तक हैं, इनके पुस्तक के नेम जरूर ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में यहाँ से चीज़ें पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केसरी नामक समाचार पत्र कब शुरू किया था? तो देखिए, ये स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये केसरी नामक समाचार पत्र स्टार्ट किया गया था और ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना जो कब शुरू की गई थी? तो देखिए, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई थी। ठीक है, तो ये देखिए मुस्लिम लीग के बारे में आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो देखिए कि इसकी स्थापना की थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने, इसकी स्थापना की थी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी के द्वारा किए गए 8 मंत्रियों के परिषद का नाम क्या था? तो देखिए, अष्ट प्रधान इनका जो ये परिषद का नाम था, अष्ट प्रधान। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 8 मंत्रियों का परिषद अष्ट प्रधान था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में किसने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो देखिए, जो है लाला लाजपत राय ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहायक गठबंधन किसने शुरू की थी? तो देखिए कि लॉर्ड वेलेजले ने ये सहायक गठबंधन शुरू की थी, कि जिसको हम कहते हैं सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया के जो एकाधिकार था, जो मोनोपोली था, उसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो देखिए, ये 7 सितंबर 1931 में गोलमेज हुआ था और देखिए सभी गोलमेज के आप डिटेल ध्यान रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना जो है किस दिन हुआ था? तो देखिए, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था और इस हत्याकांड के विरोध में जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया था। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत कब होती? तो देखिए कि
इनकी वो वीरगति को प्राप्त हुए थे 27 फरवरी 1931 में, वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, गणपति त्यौहार किसने शुरू किया था? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों वीडियो को अगर ज़्यादा से शेयर करिए और अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे अहेड।